बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर युवा जदयू की संकल्प यात्रा बुधवार को शहर के अंबेडकर चौक पहुंचा। इस दौरान यात्रा में शामिल युवा जदयू कार्यकर्ताओं ने गोपालगंज के अंबेडकर चौक पर धरना देकर केंद्र सरकार से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की। दरअसल पूर्व नियोजित कार्यक्रम के तहत शहर के अंबेडकर चौक पर धरना दे रहे युवा जदयू के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर अपनी भड़ास निकालते हुए बिहार को विशेष राज्य के दर्जा देने की मांग कर डाली। इस दौरान युवा जदयू के प्रदेश अध्यक्ष की बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग जायज है, बिहार एक पिछड़ा राज्य है और उसे विशेष राज्य का दर्जा देने से यहां रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार होगा और कृषि और उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। केंद्र सरकार को बिहार की मांग पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और उसे विशेष राज्य का दर्जा देना चाहिए। धरने में शामिल युवा जदयू कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। उन्होंने कहा कि अगर केंद्र सरकार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं देती है तो वे आज गांधी स्टाइल में धरना दे रहे हैं, बाद में आंदोलन को और तेज करेंगे। इसके बाद युवा जदयू भी एक प्रतिनिधि मंडल जिलाधिकारी से मिलकर एक ज्ञापन सौंपे, जिसमें कहा गया कि बिहार एक पिछड़ा और अविकसित राज्य है, यहाँ आर्थिक और सामाजिक विषमता बहुत अधिक है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलने से यहाँ विकास की गति तेज होगी और लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा। हम लोग अभी विशेष राज्य संकल्प यात्रा, ये हमारे कार्यक्रम का नाम है उपेक्षा के विरुद्ध विशेष राज्य संकल्प यात्रा, और ये यात्रा पूरे प्रदेश में चल रही है और बेतिया चंपारण से शुरू हुई, कल मोतिहारी में हुआ और आज गोपाल लक्ष्मण की धरती से युवा साथी हमारे युवा जदयू के अध्यक्ष दीपू शर्मा जी यहाँ पे अपने साथियों के साथ, हमारे बीच में मंत्री जी, सब लोगों के साथ युवा जदयू की टीम आज ये पदयात्रा करके यहाँ बाबा साहब के स्मारक पर माल्यार्पण करने के बाद आज समाप्ति कर रहे हैं। और आपको बता दे कि केंद्र सरकार जो लगातार विकसित राज्य विकसित राष्ट्र बनाने का जो बात बोलती है, विशेष राज्य और विशेष पैकेज की बात कर रहे हैं, चूंकि नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार इस बात को उठाते आ रहे हैं और हम उनके युवा कंधों को कंधे ये समझते हैं कि बिहार के विकास के लिए, बिहार की बेहतरी के लिए, हमारे लिए जो सोच रहे हैं विशेष पैकेज के लिए, इसके लिए युवा यदि पूरे प्रदेश में प्रत्येक जिलों में पदयात्रा के माध्यम से केंद्र सरकार को आह्वान चेतावनी देगी कि इस पर ध्यान दीजिए और जल्द से जल्द हमें दीजिए। और ये जो कार्यक्रम है ये बिल्कुल हम लोग गांधी के स्टाइल में सत्याग्रह कर रहे हैं और हमारी मांगों को सुना जाए, नहीं तो ये बिहार है नेता नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो अंगड़ाई लेगा तो 24 आ रहा है मात्र 2 महीने, वो 2 महीने में दिखेगा बिहार की 40 सीटों पर नीतीश कुमार जी का डंका बोलेगा और वो बिहार के लिए बेहतर के लिए हम सभी युवाओं को संकल्पित करने आए हैं कि जागिए अपने बिहार के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने समाज, अपने देश के लिए और विकसित बिहार बनाइए और अग्रणी राज्यों में आगे आइए और हमारे लिए भविष्य का बात है, क्योंकि बिहार में रोजगार भी मिल रहा है, केंद्र सरकार कोई रोजगार की बात नहीं कर रहा है, इसलिए बिहार को विकसित बनाना अभी लक्ष्य है। बिहार विकास के प्रगति पथ पे दौड़ रहा है नीतीश कुमार के हाथ में, लेकिन अग्रणी राज्यों में लाना है, प्रति व्यक्ति आय कम है, इसको बेहतर करना है और कम समय में आगे बढ़ना है, तो विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर नीतीश कुमार के साथ पूरी युवा जदयू, पूरे बिहार के आम आवाम साथ है और सब लोग का प्यार और समर्थन मिल रहा है। गोपालगंज से नवाब अहमद की रिपोर्ट।